नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अम्फान तूफान, इस तूफान का नाम आप कई दिन से सुन रहे होंगे और कल भी सुना होगा कि इस तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की का जो जनजीवन, जो तटीय इलाकों का जनजीवन है, वो अस्त व्यस्त हो गया है इस तूफान की वजह से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की वजह से तकरीबन 12 लोगों की मौत बताई जा रही है और ओडिशा में भी जान माल का नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल मरने वालों की संख्या जो है 3 बताई जा रही है, ये बढ़ भी सकती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यही है कि अम्फान तूफान ने बहुत बड़ा कहर ढाया है पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर, और ये तस्वीर भी उसी तूफान की है। अम्फान तूफान का कहर, पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान अम्फान में करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। दोपहर 2:30 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के पास ये जमीन से टकराया, यानी इसका डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद जबरदस्त बारिश, जबरदस्त हवा, और हवा 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान चला तटीय इलाकों में। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अभी तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है और बहुत बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 1999 के बाद ये इस सदी का सबसे बड़ा तूफान है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गुरुवार यानी आज सही मायने में पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, जब आकलन किया जाएगा उसके बाद। अगली बड़ी खबर, 1 जून से चलेंगी यात्री ट्रेनें। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। यहाँ पर आप पूरी सूची देख सकते हैं, हमारी साइट पर ये पूरी स्टोरी लगी हुई है कि कौन सी ट्रेन कहाँ तक चलेगी और इससे संबंधित जो भी जानकारी है, कब से टिकट की बुकिंग होगी, किन किन क्लास में टिकट्स बुक करा सकेंगे आप, उनका किराया कितना होगा, ये तमाम तरह की जानकारियां यहां पर हैं। इससे पहले रेलवे ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी, लेकिन बुधवार को रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में AC और गैर AC दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। थोड़ी सी राहत, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत। सरकार ने सेवाएं तो शुरू कर दी हैं, पर उन सेवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होने पर ही आप करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे और कोरोना का खतरा आपके साथ घर वापस ना आए। चलिए अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में 5 महीनों में 50 लाख के पार पहुंची है संक्रमितों की संख्या कोरोना वायरस से जुड़े हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बुधवार को 5 मिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं। कोरोना के हालिया 10 लाख मामलों को बढ़ने में केवल 12 दिन का समय लगा है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस गति से बढ़ रहा है आगे। और WHO ने गरीब देशों में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से कराहते चीन पर एक और चोट। कंपनियों के देश छोड़ने पर बोला, भारत हमारा विकल्प नहीं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसे खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके भारत को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रही हैं। और जिस तरीके से भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं बाहर के देशों के लिए और सुविधाएँ दे रहा है, और चाइना ने खास तौर पे कोरोना को लेकर चाइना ने जिस तरह की चीज़ें छुपाई, लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। इन सब के बाद एक आर्थिक जगत से बड़ी खबर ये आई कि चाइना में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तमाम कंपनियों की, वो बंद करने की फिराक में, और भारत उनके लिए एक अच्छा विकल्प है, वो अपना कारोबार समेट कर भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में चीन को ये चोट का कतई बर्दाश्त नहीं है। उसने बौखलाहट में ये कह दिया है कि भारत कभी भी चीन की जगह नहीं ले सकता। चीन ने यूपी में योगी सरकार द्वारा गठित इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में कहा गया है कि इस टास्क फोर्स का गठन चीन से निकलने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों को लुभाने के लिए किया गया है।
और चाइना कहीं भी बाज नहीं आ रहा है, चाहे वो आर्थिक जगत में कोरोना के मामले में, जानकारी छुपाने में, अब भारत में जो उसकी सीमा है भारत के साथ जुड़ी हुई, उस पर तनाव बढ़ गया है। लद्दाख में सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए। लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि सीमा पर सेना के अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच हुई तीखी झड़प के करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख में गलवा घाटी और पेंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भारत ने कर दी है। तो एक बड़ी खबर, लगातार सीमा पर तनाव। चाइना से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के देशों ने जो चाइना पर आरोप लगे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं फिलहाल जिस त्रासदी से, उसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। और अब भारत के साथ चीन तनाव बढ़ाने में जुट गया है। फिलहाल ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए अमर उजाला के साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।